guys, hi, welcome back to my channel. How you guys are doing? I just hope you all are doing really well in your life. So guys, like I have started this new series. Till new year, you are gonna see each day a new video. No, it's like every day you're gonna see a new video of mine. So yeah, I hope you're excited for that because I am really excited. And I have created this new year party look. And this look is very easy. It's seriously very easy. Dekhna. But the thing is ki aapko us products ki zarurat hai, aapko skills ki bilkul zarurat nahi hai. Because you know, I have created this very nice goldery sort of eyes, and I have kept the lips really fuchsia because I think a fuchsia really looks nice on everything. Like red, I have not used red lipstick in this because मुझे ऐसा लगता है कि रेड मैंने बहुत लाइक बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने हर एक वीडियो में, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था. दैट्स व्हाई मैंने इसमें रेड नहीं यूज़ किया. ये बहुत ही प्रिटी सा फुशिया सा पिंक यूज़ किया है. एंड आई हैव एडेड दीज डैंगलर्स एंड वेयरिंग दीज वाइट टॉप, क्योंकि इन न्यू ईयर ऑब्वियसली मैं ठंड में फ्रीज नहीं होना चाहती. सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस. आई होप यू गाइस विल लाइक इट. एंड इफ यू गाइस लाइक इट, यू नो व्हाट टू डू, राइट? यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड या कमेंट दैट व्हाट यू लाइक्ड द मोस्ट. एंड ऑल्सो गाइस, देयर इज अ गिव अवे गोइंग ऑन इन माई चैनल, सो इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन दैट, द लिंक इज अप हियर एंड ऑल्सो इन द बॉटम बार. एंड या आई थिंक दैट्स अबाउट इट. प्रिटी मच मेरी वीडियोज में ऐसा ही होता है, यू नो, दैट्स अबाउट इट. एनीवेज, so now without any further ado, let's just get started with the tutorial. So guys, like first of all, I am gonna use this aloe vera gel as my primer, and then after that I am gonna just spread it out. मैं इसको बहुत अच्छे से spread कर रही हूँ ताकि मेरे face पे बिल्कुल अच्छे से foundation glide on हो जाए. 5 minutes बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का इनफॉलिबल फाउंडेशन इन दी शेड एम्बर, एंड दिस हैज़ अ वेरी थिक कंसिस्टेंसी, तो आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है. सबसे पहले मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको बस स्प्रेड आउट कर रही हूँ ताकि मुझे ब्लेंड करने में ईजी हो. देख, आप देख सकते हो मैंने बहुत कम अमाउंट लिया है. एंड देन आई एम गोना टेक दिस ब्रश एंड देन आई एम गोना जस्ट ब्लेंड इट आउट. After blending this out, I'm gonna take this Miss Claire ka concealer, and trust me guys, ye one of the best concealers hai, affordable concealer hai, ye bas 250 rupees ka aata hai, and trust me, this is the best. Then I'm gonna take this Wet n Wild ka brow setting trio, and then मैं ये dark brown color लेके अपने eyebrows को fill करूँगी. मैं अपने eyebrows को बहुत stark नहीं fill कर रही हूँ because ये जो है बहुत beginner friendly makeup है, and ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. मतलब इट डज़ नॉट टेक वेरी लाइक बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए आपको इसको करने में. एंड मैं बस अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ. एंड गाइज, प्लीज़ अवॉइड माई आईब्रोज कि वो बने नहीं हुए, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट. एनीवेज, आफ्टर दैट आई एम गोना यूज़ दिस मेकअप रेवोल्यूशन का अल्ट्रा ब्लश पैलेट. आई थिंक दिस इज इन द शेड रोज़ गोल्ड और शुगर. गाइज, ऑल दी थिंग्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मैंने वो गोल्डन ही शेड लिया है, और मैं अपने आई शेडो लाइक आई शेडो की तरह इसको लगा रही हूँ अपने आईलिड्स पे, मतलब ऑल ओवर लगा रही हूँ, आप देख सकते हो. देन मैं इसी पैलेट में से एक ब्राउनिश शेड लेके ट्रांजिशन एज ट्रांजिशन कलर उसको यूज़ कर लूँगी ताकि बहुत अच्छा सा ट्रांजिशन मिले. फिर मैं ये इनकलर का लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ, गोल्डन आईलाइनर है. एंड गाइज, जस्ट सी, दिस इज़ ब्यूटिफुल. आई मीन दिस इज़ परफेक्शन फॉर मी. एंड मैंने इसको हॉल में शेयर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक कर दूँगी, आप देखना ज़रूर. एंड देन गाइज, मैं ब्रश की हेल्प से ना इसको बस मिक्स कर रही थी. देन मैं दोबारा से वही वाला शेड लूँगी एंड कॉन्टोर करूँगी अपने चीक बोन्स को. एंड उसके बाद मैं ये मेरे पास ये एक ब्लश बहुत अच्छे से उसको लगा ले रही हूँ. एंड ये एसेंस का ब्लश है, एंड दिस ब्लश इज़ ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द कलर, लव दिस कलर. देन आई एम गोना टेक दिस लैकमे 95
a black eyeliner, bas ek halka sa wing draw karne ke liye, nothing much as usual, na zyada thick na zyada thin. उसके बाद मैं ये फेसेस का काजल ले रही हूँ, मैग्नेटाइज काजल ले रही हूँ. ये बहुत अच्छा है काजल है एंड उसको बस मैं अपने वाटर लाइन में लगा ले रही हूँ. एंड देन आई एम गोना टेक अ ब्रश एंड मैं उसको स्मोक आउट कर लूँगी. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड एफर्टलेस एट द सेम टाइम. देन आई एम गोना टेक द सेम पैलेट और मैं इस गोल्डनी काइंड ऑफ शेड को अपने इनर कॉर्नर्स में लगा रही हूँ बस उसको हाईलाइट करने के लिए. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस पैलेट का ये सबसे अच्छा हाईलाइटर है. अपने ब्राउ बोन पे भी लगा लूँगी. एंड देन आई एम गोना टेक दिस ब्रश एंड देन गोना टेक द सेम शेड और मैं चीक बोन्स को हाईलाइट कर लूँगी. आप देखना, इट लुक्स ब्यूटिफुल. आई मीन मेकअप रेवोल्यूशन हैंड्स डाउन, दे आर बेस्ट फॉर देयर हाईलाइटर्स. देन आई एम गोना टेक दिस मैट लुक का lipstick. I think this one is in the shade All Fired Up. Yeah, and this is a beautiful fuchsia color. I forgot how much I used to love fuchsia color when I was in my college, but beech mein main reduce karne lagi thi kuch zyada hi. And yeah, and then uske baad main ye Blue Heaven ka mascara le lungi. And guys, I'm not applying any falsies because I really don't like false eyelashes. I don't know how people carry it, but I can't carry them. एंड देन मैं थोड़ा सा अपने आईब्रोज को भी सेट कर लूँगी. एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक. आई जस्ट होप यू गाइस लाइक्ड इट एंड इफ यू गाइस लाइक्ड इट गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय, लव यू गाइस.